बनवारी लाल जी सारस्वत जी धौलपुर राजस्थान के हैं, उनका एक प्रश्न है, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा कि कोई महात्मा हो जाए या कोई गृहस्थ हो जाए जो हमारी दृष्टि में बड़ा सदाचारी है, सदाचारी का अर्थ ये है कि वह बड़ी पवित्रता से रहते हैं लेकिन उनके हृदय से काम भावना जागृत होती है, वो नष्ट नहीं हुई, इतना धर्माचरण करने के पश्चात भी, इतने नियमों का पालन करने के पश्चात भी उनके हृदय का लोभ नष्ट नहीं हुआ, तो वो छिपाते हैं, तो क्या उनको उस धर्म का आचरण करने का फल कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रश्न समझ में आ गया ना? हाँ, बनवारी लाल जी, बहुत गजब प्रश्न है और अनादिकाल से अभी तक ऐसा ही चला आ रहा है। नियम और संयम शब्द का संबंध हाथ पैर नाक मुंह के साथ साथ ज्ञानेंद्रियों के साथ साथ कर्मेंद्रियों का भी है। भगवान श्री कृष्ण ने तीसरे अध्याय के छठवें श्लोक में अर्जुन को कहा कि अर्जुन कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः सोच्यते। इसको मिथ्याचार कहते हैं। इसमें थोड़ी समझिएगा, यदि कोई व्यक्ति मुक्ति के दृष्टि से, मोक्ष की दृष्टि से प्रयास कर रहा है, व्रत कर रहा है, उपवास कर रहा है, बहुत पवित्रता से रहता है, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठता है और नियम पूर्वक संध्या वंदनादि पूजा पाठ करता है, पुरुष है, उसने कभी किसी की स्त्री का स्पर्श नहीं किया, किसी का व्यर्थ धन नहीं लिया, लेकिन उसका मन अब भी लोभी है, लेकिन उसके अंतःकरण में ये इच्छा है कि लोभ नष्ट हो जाए, मोह नष्ट हो जाए, यदि हृदय में ये जिज्ञासा है तो उसका फल मिलेगा कि उसका लोभ नष्ट हो जाएगा, मोह नष्ट हो जाएगा, वो मोक्षगामी हो जाएगा। धीरे धीरे भगवान कह रहे हैं कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण। कोई व्यक्ति, कोई ब्राह्मण हो, साधु हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वो अपनी कर्मेंद्रियों को तो नियम रखे बांध के, हाथ से किसी की वस्तु नहीं उठा रहा है लेकिन मन में चल रहा है कि कोई यहां वहां हो जाए तो मैं उठा लूं। कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कर्मेंद्रियों को अर्थात हाथ और पैर को, वाणी को भी संभाल के रखे है, किसी को बुरा नहीं बोलता लेकिन अंदर से तो द्वेष भावना बहुत है, लेकिन बाहर से वो दिखाना चाहता है कि मैं सज्जन हूं। और यह आस्ते मनसा स्मरण, मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, लेकिन वो व्यक्ति सामने वाला जब मिलता है तो बहुत प्रिय बोलता है, वो चाहता ही नहीं है कि मैं हृदय से प्रिय बोलूं। इसका तात्पर्य क्या निकला? भगवान बोले इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा, वो विमूढ़ आत्मा है। वह विमूढ़ आत्मा उसे कहते हैं जो व्यक्ति ये विवेक नहीं कर पा रहा है कि मेरे मन में कुछ और चल रहा है और मैं बाहर के शारीरिक इंद्रियों का नियमन कर रहा हूं, कंट्रोल कर रहा हूं, और जबकि धर्माचरण का फल ये है कि इंद्रियों को भी, बाहर के हाथ पैर को, वाणी को भी बांधो और मन से भी उस तत्व को निकालो, तो वो मोक्षगामी बात हो गई, वो धर्म हो गया। लेकिन इंद्रियार्थान, आपकी इंद्रियां अर्थात आप आंख से सुंदरता देखना चाहते हैं,
लेकिन नीचे को देख रहे हैं और अवसर पाके उसको देख लेते हैं। आपके अंदर बहुत लोभ है, लेकिन आप ऐसी उदारता दिखा रहे हैं जैसे हमसे बड़ा कोई उदार नहीं है। तो जो इंद्रियों और विषयों के बीच के बंधन को नहीं जानता उसको विमूढ़ आत्मा कहते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे धर्म का कोई फल नहीं। तो क्या है? बोले मिथ्याचार उच्यते। मिथ्याचार, मिथ्या माने समझ रहे हैं क्या? कोई अच्छी गर्मी के दिन हो मई जून के और हिरण आप कोई भी निकले तो रोड में पानी दिखता है, तो वो पानी जो दिखता है उसको मिथ्या कहते हैं। अर्थात आपका तिलक लगाना, आपके साधु जैसे कपड़े पहनना, ब्राह्मण जैसा वेश बना के रखना, वाणी का नियंत्रण करना, हाथ का नियंत्रण करना, कोई देख ही नहीं पा रहा है कि आप गलत हो, लेकिन मन से आप सदा विपरीत गलत ही सोच रहे हैं। सुंदरता देखने की इच्छा है लेकिन आप देख लेते हैं और देख नहीं रहे हैं, आंखों को नीचे किए फिर भी देख लेते हैं। संगीत सुनने की इच्छा है लेकिन आप चोरी से सुन लेते हैं। जीवा से स्वादिष्ट पदार्थ भोजन करने की इच्छा है लेकिन आप किसी को दिखा के नहीं करते हैं। तो इंद्रियों और अर्थ माने विषयों के बीच जो एक अज्ञानी पुरुष को भोगने की कामना रहती है, वो कामना यदि उस व्यक्ति के हृदय में है और बाहर से धर्म जैसा आचरण है, उसको कहते हैं मिथ्याचार। ऐसे किसी को फल नहीं मिलता। अच्छा, अब ये क्या चीज हुई? अब हम थोड़ी सोच ले, आपके शरीर में ये गले से ऊपर नियंत्रण करता है आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। जिह्वा से आप स्वाद लेते हैं, कान से मधुर संगीत सुनते हैं, नासिका से सुगंधी लेते हैं, नेत्रों से सुंदर रूप देखते हैं, त्वचा से कोमल स्पर्श करते हैं। अब यदि आपके अंतःकरण में ये है कि हमें ये नहीं करना है, अब आप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, अब फिर भी आ रहा है, तो आपको निर्दोष माना जाएगा। जैसे मैं उदाहरण में देख लीजिए, विश्वामित्र ऋषि 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे, उनके मन में कभी वासना थी ही नहीं, लेकिन बीच में शकुंतला हो गई, मेनका अप्सरा का संयोग हो गया, इतने के बाद भी भगवान श्री राम उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं। और शतानंद जी जनक जी के जो पुरोहित हैं, अहिल्या के पुत्र हैं, वो इस कथा को भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी के समक्ष ही सुना रहे हैं, मेनका और विश्वामित्र के संपर्क को। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी मुस्कुरा रहे हैं, राम जी को अश्रद्धा नहीं हुई क्योंकि वो मिथ्याचार नहीं था। इसलिए कदाचित इंद्रियों और विषयों का अकस्मात संयोग हो जाए, आपकी इंद्रियों में अंदर बाहर दोनों एक जैसा हो, तो धर्म में ही आगे जाके माना जाएगा, वो जो हुआ वो हुआ, लेकिन भगवान राम ने उनको अधार्मिक अथवा व्यभिचारी स्वीकार नहीं किया, सेवा ही की ना। इसलिए कहते हैं जो अपनी कर्मेंद्रियों को रोकता है, मन से विचार करता है, ऐसे व्यक्ति को धर्माचरण का फल नहीं मिलता अपितु उसको दंड ही मिलता है, क्योंकि उसको मिथ्याचार कहते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।